सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेता व पूर्व विदेश मंत्री थी। उनकी सादगी, स्नेहपूर्ण व्यवहार और विदेश मंत्री के तौर पर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देने के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उनका जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला छावनी में हुआ था। इनके माता पिता का नाम हरदेव शर्मा तथा लक्ष्मी देवी है। उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य रहे थे। स्वराज का परिवार मूल रूप से लाहौर के धर्मपुरा क्षेत्र का निवासी था, जो अब पाकिस्तान में है। सुषमा स्वराज ने एसडी कॉलेज अंबाला छावनी से बीए तथा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली। अंबाला कॉलेज में उन्हें सर्वश्रेष्ठ छात्रा और पंजाब विश्वविद्यालय से उन्हें सर्वश्रेष्ठ वक्ता के सम्मान से सम्मानित किया गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपातकाल का पुरजोर विरोध करने के बाद वे सक्रिय राजनीति से जुड़ गईं। 1973 में ही स्वराज भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्य करने लगी। 13 जुलाई 1975 को उनका विवाह स्वराज कौशल के साथ हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय में उनके सहकर्मी तथा साथी अधिवक्ता थे। कौशल बाद में 6 साल तक राज्यसभा में सांसद रहे और इसके अतिरिक्त वे मिजोरम प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। स्वराज दंपति की एक पुत्री है बांसुरी, जो लंदन के इनर टेंपल में वकालत कर रही हैं। सुषमा स्वराज का सियासी कैरियर करीब 42 साल का था। उन्होंने 1977 में हरियाणा में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा और जीती। तब से लेकर वो कई पदों पर रही। चौधरी देवीलाल की सरकार में 1977 से 79 के बीच राज्य की श्रम मंत्री रहीं। 1979 में स्वराज हरियाणा राज्य में जनता पार्टी की अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष बनी। वे वर्ष 2009 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद में विपक्ष की नेता चुनी गईं। इस नाते वे भारत की 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रही हैं। वे सन 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के 19 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति की अध्यक्ष भी रही थी। 13 दिन की वाजपेयी सरकार में वह सूचना और प्रसारण मंत्री रही। 12 अक्टूबर 1998 को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वर्ष 2014 में उन्हें भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश में किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी उन्हीं के नाम दर्ज है। सुषमा स्वराज का निधन 6 अगस्त 2019 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। सुषमा स्वराज अपने खास भाषा शैली और ओजस्वी भाषण के लिए हमेशा याद की जाएंगी। तो ये थी भारत की राजनयिक सुषमा स्वराज के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।